बिटकॉइन के चार्ट को अगर आप देखोगे तो काफी टाइम से आपको यहां पर देखिए जो स्ट्रगल है बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल जाता है। वन डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो आपको एक बार फिर से यहां पर डबल ग्रीन कैंडल ओपन देखने को मिल जाता है। और जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जून मंथ के अंदर ही हमें बिटकॉइन का जो बॉटम है देखने को मिला है, तो ऐसे में अगर बिटकॉइन यहां पर इस ट्रेड लाइन को काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद अगर आपको यहां पर एक बार फिर से ग्रीन कैंडल ओपन देखने को मिलता है और बिटकॉइन यहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहता है, तो ऐसे में अल्ट कॉइन के अंदर एंड मीम कॉइन के अंदर आपको जो पंप है काफी बड़ा देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट बताने के लिए जा रहा हूँ, जिससे आपको यहाँ पर पता चल पाएगा कि जो अल्ट कॉइन के अंदर हमें यहाँ पर पंप देखने को मिला था 2020 के अंदर किस तरीके से हमें पंप यहाँ पर देखने को मिला था, वो जानना काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए अगर आपने अल्ट कॉइन के अंदर मीम कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करने में पैसा खर्च बिल्कुल भी नहीं होता है। एथेरियम को बीटीसी पेयर में अगर आप देखोगे तो आपको जो करेक्शन है कुछ इसी तरीके से करेक्शन आपको 2020 के अंदर भी देखने को मिल जाता है, बट जैसे आपको यहाँ पर इस ट्रेड लाइन का काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला था तो कुछ टाइम तक यहां पर आपको जो स्ट्रगल है एथेरियम के अंदर देखने को मिला था, बट यहां से अगर आप दोस्तों रिकवरी देखोगे तो काफी अच्छी रिकवरी आपको यहां पर एथेरियम के अंदर देखने को मिली थी बीटीसी पेयर में। एंड यहां पर अगर आप दोस्तों प्राइज देखोगे डिप का तो 0.020 का प्राइज आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, एंड नवंबर मंथ के अंदर अगर आप दोस्तों प्राइज देखोगे तो 0.087 का प्राइस आपको यहां पर हाईएस्ट देखने को मिल जाता है। एंड अभी के टाइम पर अगर आप दोस्तों चार्ट को देखोगे तो आपको यहां पर जो ब्रेकआउट है देखने को मिल चुका है वीकली टाइम फ्रेम पर, जैसा कि आप यहां पर दोस्तों देख सकते हो। और काफी टाइम से अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर देखिए जो रिटेस्ट है देखने को मिला था, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, बट यहां पर आपको जो स्ट्रगल है कुछ इसी तरीके से देखने को मिल सकता है जैसा कि आपने यहां पर भी देखा था। यहां पर आपको हल्का फुल्का रिकवरी देखने को मिला था, क्योंकि अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर एथेरियम का ईटीएफ का अप्रूवल यहां पर देखने को मिल चुका है, और जैसे आपको यहां पर 4 जुलाई का डेट देखने को मिलेगा तो वहां पर आपको जो हाई पे देखने को मिल सकता है और एक अच्छी खासी रिकवरी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। देन जैसे आपको यहां पर रिकवरी देखने को मिलेगा तो अल्ट कॉइन के अंदर भी आपको जो रिकवरी है यहां पर देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद आपको यहां पर कुछ टाइम तक करेक्शन जो है देखने को मिल सकता है, और वो करेक्शन दोस्तों हो सकता है यहाँ पर 1 से 2 मंथ के बीच का, बट उसके बाद आपको जो रिकवरी यहाँ पर कंटिन्यू रिकवरी आपको यहाँ पर अल्ट कॉइन के अंदर देखने को मिलेगा अगर आपको यहाँ पर एथेरियम बीटीसी पेयर में एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर अगर आप दोस्तों चार्ट देखोगे 2017 का तो 2017 के अंदर भी दोस्तों हमें कुछ इसी तरीके से करेक्शन जो है देखने को मिल जाता है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। एंड यहां पर अगर आप दोस्तों प्राइस देखोगे तो 0.0075 का प्राइस आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, और यहां से आपको जो रिकवरी था काफी जबरदस्त रिकवरी आपको यहां पर देखने को मिला था, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो आपको जो कॉइन थे कुछ ही कॉइन देखने को मिल पा रहे थे 2016-17 के अंदर, बट अभी के टाइम पर अगर आप दोस्तों कॉइन देखोगे तो काफी ज्यादा कॉइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है इतना ज्यादा जो देखने को नहीं मिल पा रहा है, बट 2020 के अंदर भी आपको दोस्तों जो कॉइन की क्वांटिटी थी इतनी ज्यादा जो देखने को नहीं मिली थी। एंड 2023-2024 की अगर हम बात करते हैं तो अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर देखिए जो क्वाइन लमसम पर डे के हिसाब से देखने को मिल जाता है, आपको कोई ना कोई क्वाइन ऐसा देखने को मिलता रहता है जो आए दिन एक्सचेंज पर लिस्टिंग के दौरान आप देख पाते हो। तो अभी के टाइम पर अगर आप दोस्तों एक अच्छे क्वाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर
क्रिप्टो से गेन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा अल्ट कॉइन बताने के लिए जा रहा हूं जो आपके इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल आराम से यहां पर 10x में कन्वर्ट कर सकता है। बट यहां पर दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले पॉकेट कॉइन के बारे में, और पॉकेट कॉइन का दोस्तों मैं आपको अपडेट यहां पर देना चाहूंगा कि पॉकेट कॉइन के अंदर दोस्तों मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट है यहां पर 0.25 के आसपास करवा चुका था। यहां पर मैंने आपको बोला था कि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और यहां से अगर आप दोस्तों रिकवरी देखोगे तो काफी अच्छी रिकवरी आपको पॉकेट कॉइन के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि पॉकेट कॉइन का जो लिस्टिंग था आपको बायबिट एक्सचेंज पर देखने को मिला था। तो ऐसे में आपने अगर यहां पर पॉकेट कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप यहां पर अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ कर सकते हो, एंड यहां पर अगर आप चाहो तो कुछ प्रॉफिट भी पॉकेट कॉइन से उठा सकते हो। और आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको कॉइन बताने के लिए जा रहा हूं वो कॉइन भी आपको कुछ इसी तरीके से प्रॉफिट गेन करके दे सकता है, क्योंकि पॉकेट कॉइन के चार्ट को अगर आप देखोगे जब भी आपको यहां पर इस ट्रेड लाइन के आसपास प्राइस देखने को मिला है तो ऐसे में आपको जो रिकवरी है काफी जबरदस्त तरीके से पॉकेट कॉइन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अभी के टाइम पर आपको जो करेक्शन है पॉकेट कॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है, और आपको जो प्राइस है यहाँ पर 0.50 के आसपास प्राइस पॉकेट कॉइन का देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए अभी तक पॉकेट कॉइन ने रिटेस्ट नहीं किया है, और रिटेस्ट करने के बाद हो सकता है कि आपको जो रिकवरी एक बार फिर से पॉकेट कॉइन के अंदर देखने को मिले। बट अभी के टाइम पर आपको यहां पर अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ करके चलना चाहिए। अब बात करता हूं आज के अल्ट कॉइन के बारे में जो फंडामेंटली भी आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूं रेंडर कॉइन के बारे में। रेंडर कॉइन का अगर आप दोस्तों प्राइस देखोगे तो $7.29 के आसपास आपको जो प्राइस रेंडर कॉइन का देखने को मिल जाता है। रेंडर कॉइन के बारे में दोस्तों मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, आपको डिटेल के अंदर वीडियो भी रेंडर कॉइन पर मैं दे चुका हूं। एंड यहां पर अगर आप दोस्तों यूज केस देखोगे तो डिसेंट्रलाइज्ड जीपीयू के अंदर आपको जो यूज केस है काफी अच्छा रेंडर कॉइन का देखने को मिल जाता है। और रेंडर कॉइन के अंदर अगर आप दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी देखोगे तो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मल्टी कॉइन कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सोलाना वेंथर ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एंड एलमेरा रिसर्च वेंथर ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों मार्केट कैप की तो 2.83 बिलियन का मार्केट कैप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर अगर आप दोस्तों टोटल सप्लाई देखोगे तो 532 मिलियन आपको टोटल सप्लाई यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अभी के टाइम पर अगर आप दोस्तों सप्लाई देखोगे मार्केट के अंदर तो 389 मिलियन के आसपास आपको जो सप्लाई है रेंडर कॉइन का मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड बात करूं मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्या हमें एंट्री अभी के टाइम पर रेंडर कॉइन के अंदर करना चाहिए, तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर आप दोस्तों करेक्शन देखोगे तो $14 से आपको जो करेक्शन यहाँ पर रेंडर कॉइन के अंदर देखने को मिला है। बट अभी के टाइम पर अगर आप दोस्तों चार्ट को देखोगे तो रेंडर कॉइन का जो चार्ट है आपको यहाँ पर एक बुलिश चार्ट है देखने को मिल जाता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रेंडर कॉइन का जब भी आपको प्राइस यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के आसपास देखने को मिलता है तो एक अच्छी खासी रिकवरी हमें यहाँ पर रेंडर कॉइन के अंदर देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर प्राइस देखोगे तो $1.92 के आसपास आपको जो प्राइस है यहाँ पर रेंडर कॉइन का देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर आप दोस्तों रिकवरी देखोगे तो आपको जो रिकवरी है काफी यहां पर देखने को मिली थी, प्राइस चला गया था $5.20 के आसपास, फिर से आपको करेक्शन यहां पर देखने को मिला था। आप यहां पर अगर प्राइस देखोगे तो $3.50 के आसपास आपको जो प्राइस है यहां पर रेंडर कॉइन का देखने को मिल जाता है। और यहां से अगर आप दोस्तों रिकवरी देखोगे तो काफी अच्छी रिकवरी आपको यहां पर देखने को मिली थी, और प्राइस चला गया था $14 के आसपास, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। तो ऐसे में अगर आप देखो तो रेंडर कॉइन का जो प्राइस है आपको एक बार फिर से यहां पर इस ट्रेड लाइन के आसपास ही देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में आप यहां पर 50% रेंडर कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाता है तो ऐसे में देखिए रेंडर कॉइन का जो प्राइस है आपको 5.8
8 के आसपास देखने को मिलेगा, और आप यहां पर एक बार फिर से 20 से 30% रेंडर क्वाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और फंडामेंटली भी अगर आप देखोगे तो रेंडर क्वाइन एआई के अंदर बादशाह माना जाता है, तो आपके पास है काफी अच्छा मौका यहां पर रेंडर क्वाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आपको रेंडर क्वाइन के अंदर भी जो पंप है यहां पर पॉकेट क्वाइन की तरह देखने को मिल जाता है, जैसे कि अगर आप यहां पर $500 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपके $500 यहां पर $1,000 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में आप अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर सेव करोगे, प्रॉफिट को आप यहाँ पर होल्डिंग पर रख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप जो प्रॉफिट है अल्ट क्वाइन से गेन कर सकते हो। आपको लालच बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपने जो भी प्रॉफिट होल्डिंग पे रखा हुआ है आप उस प्रॉफिट को भी सेल करोगे दिसंबर मंथ के अंदर, तो कुछ इस तरीके से आप जो प्रॉफिट है काफी अच्छा अल्ट क्वाइन से गेन कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। कभी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।